राजपूत हूँ तो लोधी राजपूताचार, मैं जाट हूँ तो जाटवाचार। ऐसे तमाम जो व्यक्तियां हमारे अंदर प्रवृत्ति जो चेंज होती जा रही है उसको सुधार होना चाहिए। और ऐसे संत महापुरुष के द्वारा इस व्यास गद्दी पर जब विराजमान होंगे तो मैं निश्चित तौर पर जानता हूँ उस गांव का, उस क्षेत्र का और विकासखंड का, उस विधानसभा का निश्चित तौर पर कल्याण होगा। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इस भागवत श्री राम माध्यम से सभी हमारे सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। भारत माता की जय, गौ माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साहब ने कहा बड़ा अच्छा लगा, वही मैं आपको कल भी बोल रहा था कि जातिवाद को छोड़ो, सबको गले लगाओ। हम लोग जाति में बढ़ गए, नहीं तो ये भारत अखंड था, आज भी अखंड हो सकता है। ऐसे लोग देश में हो एकता को बनाने वाले, और जब एक बनोगे तब ये भारत पूरा नक्शा हमारे देश को कामयाब पे ले जाएगा। ठीक है, तुम्हारी जाति है एक तरफ रखो, पर जब हो तो ये वोट देना चाहिए। वोट भी उनको दो जो हमारे देश का भला करता हो, देश के लिए जीता हो, देश को एक करना चाहते हो, देश की सेवा करना चाहते हो। जातिवाद छोड़ के हिंदू तत्व के लिए जो जीता हो उसको आप वोट दीजिए साहब। मेरे देश को ऐसे लोगों को जरूर है साहब जो हमारे हिंदू तत्व की रक्षा करे। हम संप्रवाद में नहीं पढ़ते हैं, हमारे लिए सब धर्म बराबर है, हम सब धर्मों का आदर करते हैं, सब धर्मों को प्रणाम करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने धर्म से जुट जाएं। इसलिए जातिवाद को छोड़िए साहब, जो जातिवाद को बांटता हो उसे दूर रहिए साहब। आज हम लोगों ने छोटे जाति वालों को नफरत किया तो आज वो हमारे सामने आ गई। आज जाति को मायों में फूट डालने वाला एक राक्षस पैदा हुआ, इसने जातियों को बांट दिया, देश से गद्दारी की। तब उस देवताओं ने साफ दिया कि भगवान भोलेनाथ का बेटा तुमको मारेगा। अब उसको पता है भोलेनाथ की पत्नी तो जल गई, भोलेनाथ को बाबा बन गया, अब इसका बेटा होगा नहीं, मुझे कोई मारेगा नहीं। इसलिए ताड़कासुर ने इतना अत्याचार किया गायों पर, संतों पर, देश पर, ब्राह्मणों पर, बहन बेटियों पर, फिर देवताओं से रहा नहीं गया। भगवान भोलेनाथ की समाधि तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा, कामदेव को भगवान ने जला दिया। सब देवताओं ने प्रार्थना की भोलेनाथ को, प्रभु आपकी शादी हो, आपके अगर बेटा होगा तब ये देश का उद्धार होगा, क्योंकि देशभक्त की जरूर है, देशद्रोही की नहीं। इसलिए भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना की आप शादी करो, पार्वती माँ ने आपके लिए तपस्या किया है। भोलेनाथ तैयार हो गए, देवताओं सब सज धज कर आ गए और भगवान भोलेनाथ को भूत और प्रेत सजाने लगा। शिव ही शंभु भूत प्रेत, भगवान शिव के साथ चल पड़े। महादेव को भूतों प्रेतों ने सजाया, दूल्हा बनाया। भगवान शिव शादी के लिए तैयार हो गए। भगवान के माँ बाप तो कोई थे नहीं, भूत प्रेतों को महादेव ने कहा, देवता तो सब सज धज कर आ गए, जिसकी शादी है उसके घर तो कपड़े भी नहीं है। एक प्रेत गया सिंगी, जलते हुए मुर्दे की भभूति लाया, भगवान का मेकअप किया, श्रृंगार किया। एक गया तो सांप को पकड़ के लाए, गले में पहना दिया। एक गया तो बाघ का चमड़ा लेकर पहना दिया, और भगवान शिव को श्रृंगार किया, खोपड़ों के मुंड की माला पहना दी, नंदी पर बैठा के त्रिशूल दे दिया, और भूत प्रेत देवी देवताओं के साथ
भगवान भोलेनाथ हिमालय के घर आते हैं। माँ मैना भगवान का स्वागत करती है, शिव जी का रूप देख के मूर्छित हो जाती है। होश में आई तो भगवान भोलेनाथ ने सुंदर रूप का दर्शन कराया। मैना माँ ने भगवान की आरती उतारी, सब देवी देवताओं ने भगवान का सम्मान किया। हिमांचल राजा ने अपने पुत्र को पुत्र को नाती जाति सबको बुलाया और महादेव का बड़ा सम्मान किया। मर भूत और प्रेत को देखकर सबको नाचते हुए देखे, किसी को दो पैर, किसी को चार पैर, किसी को एक पैर, किसी को दो माथे, किसी को चार माथे, किसी का सियाल का माता, किसी का कुत्ते का माता, किसी का गधे का माता, इतनी भयंकर बोली बोलते थे कि तुलसीदास को लिखना पड़ा। बोलिए शंकर भगवान की जय। गांव के लोग भगवान का स्वागत करने, सरपंच साहब गांव के थे, उसको आगे किया। सब लोग हाल लेकर आए और भूत प्रेत को देखकर सब बेहोश पड़ गए, सब गिर गए। वो गांव का मुखिया था ना, एक आंख से देख रहा था कि सब आए, सब लोग इसमें। वो बोले भाई घबराना नहीं, हम उधर उस टाइम नेता थे उधर पंजाब के, पर बादल सिंह आए तो हम लोग फिर भाग आए। इसलिए वो आंख बंद करके बैठा है उसको। तो भगवान शिव ने कहा जिसकी शादी होती है दुनिया देखने आती है, ये क्यों, ये बेहोश क्यों हो गए, सब सो क्यों गए। भगवान शिव की बात सुन के नंदी बोलता है ये गांव को ऐसा रिवाज नहीं है, पर हम जहां जाएंगे ऐसा ही होगा। हमारे साथ लोग ऐसे हैं जिनके साथ गद्दार मिल जाते हैं वो देश को बेच देते हैं, और जिनके सज्जन बन जाते हैं वो देव बनकर देव की सेवा करते हैं देश की। इसलिए भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, इसमें कोई तो जागता होगा ना, सब थोड़ी मरे होंगे, जिंदा उसको पूछो। हमारे गुजरात में एक बस में सब नेता लोग जा रहे थे तो बीच में से खेत में से निकले, ये हमारा उतारा किधर है हमारा का ठहरने का। तो उसने कहा तुम्हारे ठहरने का तो पता नहीं, पर हमारे को ठहरने का ऊपर जाने का है, तुम्हारी मेहरबानी हुई ना, सब बेहोश हो गए। बच्चे लोग घबरा गए, अपने माँ बाप को कहने लगे क्या भूत प्रेत आए हैं, यमराज की बाराज है क्या। और माँ बाप ने कहा क्योंकि भयंकर बोलिया बोल रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई ढूंढ रहा है, गुजराती में हाव 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 कर रहा है। सब देवता घबरा गए, हिमाचल वासी घबरा गए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि चलो जहाँ ठहरने का वहाँ रुकेंगे, भोजन मिलेगा तो ठीक, नहीं तो चले जाएंगे, शादी करना कोई जरूरी थोड़ी है। तब भगवान विष्णु ने कहा जस दूला तस बनही बराता। बोले विष्णु सहित जस दूला तस भारत माता की। ये हमारे देश में ऐसी कथा होती। साहब मैं कोई राजकारण के विरोध में बोलने वाला साधु नहीं, मैं कोई नेता के विरोध में बोलने वाला साधु नहीं, मैं भारत का साधु। शिव का आदर किया, आसन दिया, शिव जी का चरण धोया, माँ पार्वती को सखिया लेकर आई, शिव पार्वती को बिठाया और ब्राह्मण देवता को बुलाया, षष्ठी वादन हुआ, ब्राह्मण लोग वेद मंत्र बोलने लगे, माताएं गीत गाने लगी, देवताओं पुष्प की वर्षा होने लगी और भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ। आपके सामने भगवान भोलेनाथ पधारे हैं, पार्वती माता आई है, उनके साथ भूतगण है, सभी को तालियों से स्वागत करें। और भगवान शिव की शादी हुई तो देवता बड़े खुश हुए और गाने लगे, शिव जी चले हाथी हिमाचल गए, नाच ही कूद ही भूत सब देवा, नाच ही कूद ही भूत सब देवा, ओ गौरी तेरो बड़ो ही भारो, गौरी तेरो बड़ो ही भारो, भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आए।
शंकर भगवान। शिव जी ने पार्वती माँ के गले में हार पहनाया और पार्वती ने शिव जी के गले में हाथ फहराया। देवताओं ने पुष्प की वर्षा करी और जय जयकार हुई। बोलिए शंकर पार्वती भगवान। ओम नमः पार्वती हर 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 महादेव। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। महादेव की शादी हुई, देवता एक दूसरे को मिलने लगे, एक दूसरे का सम्मान किया। भगवान भोलेनाथ की जय जयकार की। देवता और हिमाचल वासी ने कहा, अरे जितना तेरे भाग में लिखा हो, जितना तेरे भाग में लिखा उतना ही पाता है। सम्मान किया, भगवान को भेंट दिया, पार्वती को भेंट दिया, सबने स्वागत किया। तेरा कर्म है भाई हो, ऐसा तेरा कर्म है वैसा फल देगा भगवान। मेरे भोले शिव लहरे, भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरे के दरबार में सबका खाता है। ओ गिरी कहे तो गिर के संभल जाए नादान, गिरी कहे तो गिर के सफल जाए जे कहे नादान। गिरी कहे छूटे गिर के सफल जाए जे कहे नादान। गिरी कहे तो गिर के सफल जाए जे कहे नादान। तेरा बनाया तुझको बनाए हो, तेरा बनाया तुझको बनाए हो, मानव नहीं है वान। मेरे भोले शिव लहरे, भोले के दरबार सबका खाता है। शिव लहरे के दरबार सबका खाता है। इतना तेरे भाग में लिखा हो, इतना तेरे भाग में लिखा उतना ही पाता है। मेरे भोले शिव लहरे।